जो गदर पार्ट 3 है संजीव झा जी, उस पर मैं अब आपका जवाब चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के नेता आज गए हैं एलजी से मिलने की भ्रष्टाचार के मामलों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हो, फिर भी आप इंडिया का हिस्सा बने रहेंगे और 7 सीट पर आपका स्टैंड? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि हम अलग अलग पार्टी इसलिए बने क्योंकि हम लोग एक दूसरे से वैचारिक रूप से सहमत नहीं थे। लेकिन ये मैं कई बार कह चुका हूं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। जब ये लड़ाई इस देश में दो कम्युनिटी को लड़ा करके और सत्ता हासिल करने को, फिर उसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा। अगर इस देश के संविधान पे खतरा आ जाए तो लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। अभी अटल जी की एक कविता सुधांशु जी कह रहे थे, मैं उनको भी याद दिलाता हूं कि अटल जी ने ही लिखा था कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे, होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे ये भ्रम भी सदा चलता रहेगा। तो ये जो आपका भ्रम है कि हम हैं हम रहेंगे, पहले भी कई लोगों के भ्रम थे वो गए। जनतंत्र में जनता मालिक होता है, आपका अहंकार नहीं मालिक होता है। वो अहंकार और शराब का नशा ऐसा होता है जो खुद को छोड़कर बाकी सबको पता चलता है कि चढ़ी हुई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बातें, अगर आपने 9 साल में जो आपने देश को जिस गर्त में धकेला है, देश की जनता आपको जवाब देगी। लेकिन आज हम सभी अपोजिशन इकट्ठा केवल इसलिए हो रहे हैं कि एक एक कर आप किस देश के विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं। हर वो आवाज जो आपका फोल खोल रहा है उसको आप जेल में बंद कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी लाल किला से कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ हैं हम, परिवार के खिलाफ हैं हम, अपने गिरेवान में नहीं जाग रहे। अगर आप परिवारवाद के खिलाफ होते तो फिर चौटाला साहब का अपने अलायंस में नहीं लेते आप रामविलास पासवान जी की पार्टी को अलायंस में नहीं रखते आप ये अपना दल को नहीं रखते आप, तो ना तो आप परिवार के खिलाफ होते तो अमित शाह जी का बेटे जैसा कि ऐसी क्या क्वालिफिकेशन थी कि बीसीसीआई के सचिव बन के रह गए। और आपके अगर नाम गिनाने लगूं तो पूरा शो इसी में निकल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं, कहने को कुछ और है करने को कुछ और है। मुझे लगता है कि आपको इंडिया की चिंता अपना करें। कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अगर मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत तरह के त्याग करना पड़े, हर कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि बात देश की है, बात देश के जनतांत्रिक मूल्यों की है। जिस तरह से चुनी हुई शक्तियों की ताकत को छीन लेते हो आप अहंकार में कि आम देश की जनता ने हमें ताकत दिया है। आपका जवाब दर्शक भी समझ गए, मैं भी समझ गई। वो कह रहे हैं कि सोचिए देश को बचाने के लिए इनको लड़ाई लड़नी है, इसीलिए समझौते करने को भी तैयार है। कांग्रेस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लेकर एलजी के पास जा रहे हैं, इसको भी सहन कर रहे हैं क्योंकि आपको रोकना है। ये ताकत बहुत बड़ी होती है। सुधांशु जी, अंजना जी, जब इस ढंग के समझौते होते हैं तो ताकत बड़ी नहीं होती है, असली ताकत खत्म हो जाती है। इन लोगों के समझौते पर जो मैंने राज्यसभा में शेर बोला था वही बोले दे रहा हूं। इस समय शाम का 6:15 है, इन लोगों के लिए वो शेर लागू होता है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, ये पार्टी वही है ना, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे ये सब भ्रष्टाचारियों की लिस्ट देते थे, फिर कहते थे ये सब मिले हुए हैं जी, कोई किसी पर कार्रवाई नहीं करेगा। आज दिल्ली की जनता देख रही है कौन कौन मिले हुए हैं जी, मिले हुए हैं जी नहीं, कदमों में लेटे हुए हैं जी। मतलब कल तक जो लड़े पड़े थे आज एक दूसरे के कदमों में गिरे पड़े हैं, और जो कस्में खाते थे कि हम घर नहीं लेंगे, उनका ऐसा बंगला बना न्यारा है कि दिल्ली की जनता जरूर कह रही है नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। तो मुझे लगता है कि जब आप चेहरा बदलने और चरित्र बदलने तो कहते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे दिल्ली और देश की जनता देखती है कि आपके चाल चिंतन चेहरे चरित्र में कितना बड़ा बदलाव आया है, और ये दोनों पार्टियों ने किस कदर एक दूसरे के ऊपर, अब देखिए ऊपर से दिखावटी ये है और हकीकत में क्या है। अभी अभय दुबे जी के मुंह से एक बात निकल गई थी जिन्होंने उन्होंने कहा था वो दरार और इश्तेहार, दुबे जी वो मैं शेर आपका पूरा किए देता हूं और उसमें बस दो शब्द चेंज कर रहा हूं, गठबंधन और मोदी जी का नाम। मतलब आज इनके ऊपर वो लाइन लागू होती है कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पे चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। और आगे की लाइन बड़ी फिट बैठती है आपके गठबंधन पे कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। और आपका कार्यकर्ता क्या कह रहा है,
तो आखिर में दुखी होकर आपका कार्यकर्ता यह कह रहा है कि यह रश्क जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं जहन्नुम में ही खुश था ऐ मेरे परवरदिगार। तो मेरे ख्याल से आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपके कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है, आपका वोटर आपके साथ नहीं है, मगर मोदी जी के प्रति ईर्ष्या कुंठा विद्वेष। आज ही बताइए केजरीवाल जी विधानसभा में क्या बोले, मतलब दिल्ली में कुछ नहीं बोले। ऐसा विचित्र स्थिति है, दिल्ली की विधानसभा देश की इकलौती विधानसभा है जिसका सत्रावसान होता ही नहीं है, वो परपिचुअल सेशन में रहती है, और परपिचुअल सेशन में रहते हुए केवल एक ही सेशन होता है दो तीन दिन का, बजट सेशन, बजट प्राप्त करने के लिए, मगर कभी भी साइन डाई होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? अगर साइन डाई करेंगे तो फिर एलजी से परमिशन लेना पड़ेगा, जैसे संसद का सत्र समाप्त होता है तो फिर राष्ट्रपति से अगले सत्र के लिए परमिशन, वो न लेनी पड़े, इसलिए परपिचुअल सेशन में रहते हैं और दिल्ली पे कुछ नहीं बोलते, बाकी सब कुछ बोलते हैं। और कांग्रेस वाले क्या कहे, मतलब वही बात जो मैंने राज्यसभा में बोली थी वो सेंटेंस फिर कर देता हूं, कांग्रेसी कितने दिल पे पत्थर रखे होंगे। सोचिए वह राज्य जिस पे सदा सर्वदा इनका राज्य रहा, जो गांधी और पटेल का राज्य था, उस गुजरात में आम आदमी पार्टी ने इनका वोट प्रतिशत हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, उसके बाद सोचिए कि किस दिल पे कैसा पत्थर रखकर इन्होंने इनको माफ कर दिया होगा। तो बहुत छोटी सी बात है, मात्र चंद दिनों में जो दिल की आरजू थी वो लबों पे उभर उभर के आने लगी है और कुछ नहीं। अभय जी 2024 तक टिके रहेंगे कि नहीं रहेंगे एक साथ, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत तस्वीरें देखी है जिसमें सब मंच पर एक साथ आए थे, लेकिन चुनाव आते आते मामला बिखर जाता है। 24 तक टिके रहेंगे नहीं, अधीर बाबू को मत भूलिए, आज उन्होंने भी टीएमसी को जमकर कोसा है पश्चिम बंगाल में, हमने उनकी बाइक चलाई है। नाना पटोले कोस रहे शरद पवार को, शरद पवार से पूछ रहे हैं कि बताइए वफादारी का सबूत दीजिए। अजना जी देखिए, कर्नाटका के चुनाव परिणामों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को यह पता लगा कि ना प्रधानमंत्री का दुखड़ा चल रहा है ना मुखड़ा चल रहा है, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर ने लिख दिया कि प्रधानमंत्री के चेहरे के भरोसे अब चुनाव मत लड़ना, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी को यह भय सताने लगा है कि अगर ये गठबंधन ने प्रॉपर सीट शेयरिंग अगर राज्यों के स्तर पर कर ली और जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज देश में बना हुआ है, तो इनकी 100 से 150 सीटों पर सिमट जाएंगे। महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए, महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार तोड़ी उसके बावजूद 5 में से 4 एमएलसी के चुनाव वहां पर हार गए और नागपुर में हार गए, नागपुर में पिछले 3 साल से एक भी चुनाव नहीं जीते, उसके पहले कोल्हापुर का चुनाव हारे थे, कजवा बेट का 25 साल बाद चुनाव हारे, राजस्थान में उपचुनाव हुआ, अगर बाई इलेक्शन चुनाव के कुछ पहले होता है तो वो लिटमस टेस्ट माना जाता है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव 25,000 और 21,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो इनको यह समझ में आ गया कि इस हिंदी हार्टलैंड में अब वो करिश्मा चलने वाला नहीं है। करिश्मा क्यों नहीं चलेगा? क्या देश नहीं देख रहा है कि किसानों की आमदनी तो मोदी जी ने 27 रुपए कर दी और इनके धन्ना सेठ 12 लाख करोड़ रुपए कमा रहा है, सारे भ्रष्टाचारियों को गले लगा लिया, समूचे देश के प्रत्येक प्रांत में चले जाओ, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा भाजपा का आभारी, आप लाइन से लगाकर देख लीजिए, जिसके खिलाफ जिस प्रांत में जाकर भ्रष्टाचार की मुखरता से आवाज लगाई उसको अपने साथ शामिल कर रही है। ये देश ने देखा है, ये देश मौन साधे नहीं बैठा है, ध्यान रखिएगा, ये मौन की क्रांति काम कर रही जो आपके खिलाफ काम करेगी। आप शुभेंदु अधिकारी को कहते थे, आप मुकुल राय को कहते थे कि भाग सीबीआई आ रही, दोनों को गले लगा लिया। हेमंत तो बिस्वा शर्मा के खिलाफ बुकलेट निकाली, अब तो गले लगाना तो दूर, मुख्यमंत्री आपने उसको बना लिया। अब तो हदप्रभ इस बात से है देश कि जिसको 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी इंगित करके कहते हैं, जो ईडीआई चार्जशीट जिसकी फाइल करती है, जिसकी कंपनी का नाम है, 826 करोड़ के घोटाले का आरोप अजीत मार पर लगाया इनकी ईडी ने, 70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री जी ने लगाया, उसको शामिल कर लिया, ये देश देख रहा है। वो अदिति तटकरे जिसको बताते थे कि इनके पिताजी साथ शामिल है, उसको मंत्री बना लिया इन लोगों ने, तो एक एक भ्रष्टाचारी को मिला लिया इन लोगों ने। और आखिरी परिवारवाद की बात जो ये कर रहे हैं ना, जो ये लड़ाई की बात गदर 2 गदर 3 कही जा रही है, गदर 2 सुपर हिट हो गई है जी, बॉक्स ऑफिस में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है भाई, सब जा रहे हैं देखने के लिए। अंजना जी आपने दिया था मान न मान इंडिया में घमासान, और जानते हैं क्यों? क्योंकि इन सबों के होते दिख नहीं रहे पूरे अरमान, अब एक दूसरे के खिलाफ में ये लोग, देखिए ना, मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग देश वाले नहीं है, ये लोग केस वाले हैं, एक दूसरे के भ्रष्टाचार के खिलाफ में लोग बोल रहे हैं, लेकिन हद विडंबना है, फिर भी हाथ मिला रहे हैं,
किस तरह से ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। और आजकल देखिए एक नया इंडिया इंडिया, अरे वो भी इंडिया हमारा था अंजना जी, जब ये गोल्डन क्वाड्रेटलर रोड बनी थी अटल जी के समय में, तो इंडिया साइनिंग का बोर्ड लगा हुआ था, और यूपीए 2 की जब सरकार बनी थी तो इंडिया सबसे इन लोगों को इतना नफरत था, इतनी नफरत थी कि सारे साइन बोर्ड को हटा दिया था। क्या इंडिया साइन करता तो इन लोगों को बुरा लग रहा था? और आज अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए इंडिया के पवित्र नाम को आगे किया, लेकिन हाँ इतना रहम किया है कि उसमें डाउट डाल दिया है, जिसे मैं बराबर बोलता हूँ कि इंडिया आई डाउट एन डाउट, ये लोग डॉट लगाए हैं। इन लोगों का कांग्रेस का तो ऐसे भी पंजा है ना, देखिए ना अलग अलग है सब। हम लोगों में एनडीए में मुट्ठी बनी है, एकता है, हमारा सेनापति एक, नेतृत्व एक, हम लोग सिपाही के तरह एक अनुशासित सिपाही के तरह काम कर रहे हैं। अरे सुनिए सुनिए ना भाई दुबे जी, भ्रष्टाचार की तो गंगोत्री आप है भाई, आपके लिए तो त्रिमूर्ति के, अरे 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, सीए जी की रिपोर्ट नहीं देखी, सुनिए तो सही, रिपोर्ट आने वाली है। दुबे जी आप आज तक पे हैं, शाउटिंग मैच वाला चैनल नहीं है ये, पूरी कीजिए धीरेन्द्र जी, दो लाइन में पूरी कीजिए। कल तो आपने त्रिमूर्ति पर भी सवाल उठा दिया था, पता नहीं इन लोगों को त्रिमूर्ति में क्या समझ में आता है, वही कि नेहरू इंदिरा और राजीव को त्रिमूर्ति समझते हैं या सोनिया राहुल और प्रियंका को त्रिमूर्ति समझते हैं? अरे उससे बाहर निकलिए ना, देश आज कहां से कहां पहुंच रहा है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी के लिए मैं बोलना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी स्टेप बाय स्टेप डील कर रही है, पहला डील पूरा हुआ वो फिर से अब रूठ रही है, दूसरे बार फिर मनाएंगे, फिर अगली डील होगी। और कांग्रेस 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 पार्टी के पास देने के लिए दिल्ली में है क्या बचा हुआ? नंगा निचोड़ेगा क्या?